रिटायरमेंट फेज किसे नहीं पसंद है, और हम 25 साल से लेके 60 साल तक रिटायरमेंट के लिए फंड्स जुटाते रहते हैं। लेकिन रिटायरमेंट के लिए फंड्स जुटाने के कई सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जैसे फिक्स्ड डिपॉजिट, एनपीएस, पीपीएफ, म्यूचुअल फंड्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एंड अब हर बार ये सोचते होगे कि इनमें से बेटर ऑप्शन कौन सा है या इनमें डिफरेंसेस क्या है। तो फिक्स्ड डिपॉजिट्स एंड म्यूचुअल फंड्स के ऑप्शंस तो हमें पता ही है, बट द मेजर कंफ्यूजन लाइज बिटवीन NPS एंड PPF. NPS या नेशनल पेंशन स्कीम और PPF यानी पब्लिक प्रोविडेंट फंड दोनों ही गवर्नमेंट बैक्ड रिटायरमेंट सेविंग्स प्लान है, और दोनों ही स्कीम्स आपको ये एडवाइस करती हैं कि आप रेगुलरली डिसिप्लिन के साथ सेव करें, ताकि रिटायरमेंट के बाद आप अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंश्योर कर पाए। तो फिर NPS और PPF, इन दोनों के ऑब्जेक्टिव्स और रिटर्न्स में क्या डिफरेंसेस हैं, और आपके लिए कौन से रिटायरमेंट स्कीम सबसे बेस्ट है? तो इन्हीं सारे क्वेश्चंस को हमने आज की हमारी इस वीडियो में डिस्कस किया है, जहां हम आपको कई सारे पैरामीटर्स के बेसिस पर NPS और PPF के बीच डिफरेंसेस को एक एक करके समझाने वाले हैं। सो इफ यू आर रेडी, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। PPF एक वेल एस्टैब्लिश्ड गवर्नमेंट फंडेड इन्वेस्टमेंट स्कीम है, जिसने ओवर द ईयर्स अपने सिक्योर रिटर्न्स के चलते लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स का भरोसा जीता है। सिमिलरली NPS भी एक रिटायरमेंट सेविंग्स प्लान ही है, लेकिन ये स्कीम पॉपुलर हुई 2015-16 के बजट के दौरान, जब सरकार ने NPS इन्वेस्टमेंट्स पर 50,000 रुपीज के एडिशनल टैक्स डिडक्शन का अनाउंसमेंट किया था। अब धीरे धीरे डिफरेंसेस भी समझ लेते हैं। एलिजिबिलिटी की बात करें तो आर्म फोर्सेस के अलावा कोई भी इंडियन सिटीजन जिसकी एज एप्लीकेशन सबमिट करने के टाइम 18 साल से लेके 60 साल के बीच है, वो NPS अकाउंट ओपन कर सकता है। वहीं PPF में NRIs और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के अलावा हर कोई अकाउंट ओपनिंग के लिए एलिजिबल है। NPS और PPF दोनों ही स्कीम्स में अकाउंट होल्डर के लिए जरूरी है कि वो मेंटली चैलेंज ना हो, अनडिस्चार्ज्ड इंसॉल्वेंट ना हो, और साथ ही KYC रेगुलेशंस को भी फॉलो करें। अब सबसे इम्पॉर्टेंट डिफरेंस दोनों में ये है कि जब आप PPF में इन्वेस्ट करते हैं, तब आपके ज़्यादातर फंड्स रिस्क फ्री असेट या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट किए जाते हैं, तो इसमें आपको एज ऑफ टुडे 7.1% का इंटरेस्ट रेट मिलता है, एंड हर साल ज़्यादातर इंटरेस्ट मोर और लेस फिक्स रहता है। इसके इंटरेस्ट रेट्स बैंक के रेट्स यानी जो रेपो रेट्स होते हैं उस पर हाईली डिपेंड करते हैं। जबकि NPS की बात करें तो उसमें आपके पैसों के एक फिक्स्ड परसेंटेज को मार्केट्स में भी इन्वेस्ट किया जाता है, एंड इस वजह से आपके जो ओवरऑल रिटर्न्स हैं वो इक्विटी मार्केट्स पर भी डिपेंड करते हैं। अब अगर हिस्टोरिकल रिटर्न्स की बात करें तो NPS में पिछले 10 सालों में 12-14% के बीच के रिटर्न्स दिए हैं, वहीं PPF में ये रेट 7-8% के बीच वैरी करते हैं, जो कि करेंटली 7.1% पर चल रहे हैं। पब्लिक प्रोविडेंट फंड में हर साल आपका इंटरेस्ट कंपाउंड होता है, जिसे मार्च 31st को आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाता है। PPF इंटरेस्ट की कैलकुलेशन हर महीने की शुरुआत में आपके अकाउंट में अवेलेबल लोएस्ट अमाउंट को देखकर की जाती है, इसलिए हाईएस्ट रिटर्न्स रिसीव करने के लिए यू मेक श्योर कि आप हर महीने 1 से लेकर 5 तारीख के बीच अपने डिपॉजिट्स कर लें। और अगर आप अपने इन्वेस्टमेंट्स को 3 साल तक होल्ड करके रखते हैं, तब आप अपने PPF अकाउंट के अगेंस्ट लोन भी ले सकते हैं, और जब आप इस लोन को 6th ईयर से पहले रीपे कर देते हैं, तब आप दूसरे लोन के लिए भी एलिजिबल हो जाते हैं। PPF स्कीम के अंडर आप 1 साल में मिनिमम 500 रुपये और मैक्सिमम 1.5 लाख रुपये की इन्वेस्टमेंट मैक्स 12 कॉन्ट्रीब्यूशन के थ्रू कर सकते हैं। ऑन दी अदर हैंड NPS में आपको 500 रुपये के मिनिमम कॉन्ट्रीब्यूशन से इनिशियली स्टार्ट करना होता है, और उसके बाद हर साल 1,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट करना है Tier 1 अकाउंट, जो मैंडेटरी अकाउंट होता है, और मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट की कोई लिमिट नहीं है, एज लॉन्ग एज वो कॉन्ट्रीब्यूशन आपके ग्रॉस एनुअल इनकम के 10% से ज़्यादा नहीं है। और अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, तब भी आपके मैक्सिमम NPS कॉन्ट्रीब्यूशन ग्रॉस टोटल इनकम की 10% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए।
अब टैक्स एडवांटेजेस की अगर बात करें तो दोनों में ही आपको टैक्स बेनिफिट्स तो मिलते ही हैं। इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80C के अंदर आपकी हर PPF डिपॉजिट पर टैक्स डिडक्शन मिलता है, और जब आप अपनी इन्वेस्टमेंट और इंटरेस्ट को विड्रॉ करते हैं तब भी आपसे कोई टैक्स नहीं लिया जाता। वहीं NPS के केस में आपको 2,00,000 रुपए तक का मैक्सिमम अमाउंट पर टैक्स बेनिफिट मिलता है, जहां आपको सेक्शन 80CCD1 के अंडर 1,50,000 रुपए और सेक्शन 80CCD2 के अंडर एडिशनल 50,000 रुपीज के तौर पर ये टैक्स एडवांटेज दिया जाता है। अगर हम स्कीम्स में विड्रॉवल्स या फिर लॉक इन पीरियड की बात करें तो जैसा हमने आपसे पहले कहा कि PPF अकाउंट ओपनिंग के 3rd और 6th ईयर के बीच आप उस अमाउंट के अगेंस्ट लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, साथ ही आप 7th ईयर के बाद अपने PPF से पार्शियल विड्रॉवल्स की फैसिलिटी को भी अवेल कर सकते हैं, लेकिन वहां आपको कुछ रिस्ट्रिक्शंस फेस करने पड़ते हैं। PPF का मैच्योरिटी पीरियड 15 साल का होता है एंड 5 साल के बाद पार्शियल विड्रॉवल्स इज पॉसिबल इन केस ऑफ इमरजेंसीज। दूसरी ओर मैच्योरिटी पे NPS सब्सक्राइबर्स 60% का कॉर्पस अमाउंट लमसम में विड्रॉ कर सकते हैं एंड रिमेनिंग 40% इज टर्न इनटू एन्युइटी। बट रिमेंबर, इस केस में जो मैच्योरिटी है वो आपके 60 ईयर्स पर ही होगी। NPS अकाउंट होल्डर कुछ सर्टेन सिचुएशंस में 10 साल के पीरियड के बाद अपने अमाउंट को पार्शियली या अर्ली विड्रॉ कर सकते हैं। द मैक्सिमम अमाउंट दैट कैन बी विड्रॉन एज अ लमसम इज लिमिटेड टू 25% ऑफ द सब्सक्राइबर्स ओन कॉन्ट्रीब्यूशन, और इसका मतलब ये भी है कि NPS अकाउंट होल्डर अपने कॉर्पस से कुछ पोर्शन को एज अ लमसम विड्रॉ कर सकते हैं एंड रिमेनिंग अमाउंट को पेंशन के फॉर्म में रिसीव कर सकते हैं, और इसी वजह से NPS स्कीम PPF के कंपैरिजन में थोड़ी सी ज़्यादा लिक्विडिटी प्रोवाइड कर सकती है। अब अगर रिस्क एक्सपोजर की बात करें तो PPF NPS से ज़्यादा सेफ ऑप्शन है, क्योंकि PPF ज़्यादातर रिस्क फ्री होते हैं और आपको वहाँ नियरली रिस्क फ्री रिटर्न्स देखने मिलते हैं, लेकिन NPS स्कीम मार्केट लिंक्ड होती है जिस कारण से उसमें रिस्क भी ज़्यादा होता है। पर NPS में फ्रॉड के कोई चांसेस नहीं है, क्योंकि इस स्कीम को भी गवर्नमेंट का एक हिस्सा यानी PFRDA द्वारा स्ट्रिक्टली रेगुलेट किया जाता है। द लास्ट डिफरेंस बिटवीन द टू इज द एलोकेशन ऑफ योर फंड्स एंड द फ्लेक्सिबिलिटी दैट यू गेट। तो PPF में आपके पास ये ऑप्शन नहीं होता है कि आपके फंड्स आपको कैसे एलोकेट करने हैं, या आप चूज कर पाओ, या आपके जो मैनेजर हैं आपके कौन से फंड्स में डालने हैं, ये चूज करने का ऑप्शन आपके पास नहीं होता है। बट दिस इज पॉसिबल इन केस ऑफ NPS। NPS में आपको फंड्स को कितना कहाँ, लाइक कितना इक्विटी में, कितना डेट में, कितना एलोकेट करना है, और अपना फंड एंड मैनेजर को भी चूज करने का ऑप्शन मिलता है। तो फ्लेक्सिबिलिटी काफी है इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट चॉइसेस। तो ये हुए सारे डिफरेंसेस बिटवीन NPS एंड PPF। नाउ यू नो कि दोनों ही स्कीम्स इन्वेस्टर्स को यूजफुल पोस्ट रिटायरमेंट सेविंग प्लान्स ऑफर करती हैं। रिमेंबर, आप दोनों ऑप्शंस को साथ में भी चूज कर सकते हैं, बट टैक्स बेनिफिट्स लिमिटेड अमाउंट तक ही अवेल कर पाएंगे। इसलिए NPS और PPF में कौन सी स्कीम आपके लिए बेटर है, इस क्वेश्चन का आंसर भी कई सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, जैसे कंट्रीब्यूटर की एज क्या है और उसकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी कितनी है। अगर आपको स्लो बट सेफ एंड स्टडी ग्रोइंग इनकम चाहिए तो आप PPF में इन्वेस्ट कीजिए, और अगर आप थोड़ा रिस्क लेना चाहते हैं एंड मार्केट लिंक रिटर्न्स भी जनरेट करना चाहते हैं देन यू कैन चूज NPS। लेकिन इतना तो श्योर है कि रिटायरमेंट के बाद अपनी लाइफ को एंजॉय करने के लिए आपको NPS या फिर PPF में से कोई भी एक स्कीम में जरूर इन्वेस्ट करना चाहिए। तो दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप अब आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, एंड वीडियो अच्छा लगाओ तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल, एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर सच वीडियोज।